गोरखनाथ मंदिर में युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की 52वीं एवं राष्ट्र संत महंत अवैधनाथ जी महाराज की 7वीं साप्ताहिक पुण्यतिथि समारोह के तहत भगवान श्री राम एवं श्री कृष्ण कथा का तात्विक विवेचन कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ गोरक्षपीठाधीश्वर व मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ महाराज के नेतृत्व में कथा व्यास जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज एवं सपरिवार यजमानगढ़ व साधु संतों के साथ शुरू हुआ। इस मौके पर दोनों ब्रह्मलीन महाराज जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गोरक्षपीठ किसी न किसी सुप्रसिद्ध कथा व्यास को प्रतिवर्ष श्रद्धांजलि के अवसर पर आमंत्रित करके गोरखपुर की जनता को कथा सुनाने का लाभ कराती रही है। इस क्रम में पूज्य स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज का सानिध्य हमारे लिए सौभाग्य की बात है। कथा भारत की परंपरा का एक भाग रहा है। हजारों वर्षों से वेद पुराण उपनिषद रामायण महाभारत की कथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी विस्तार होते हुए जनमानस के केंद्र में रही हैं। श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से भारत के इतिहास को आगे बढ़ाने का काम किया गया है। शुक्रवार से प्रारंभ होने वाले कथा में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एवं लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण के कथाओं का तात्विक विवेचन कथा व्यास जी के माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में श्री राम एवं श्री कृष्ण के कथाओं की क्या उपयोगिता है, यहाँ के लोगों का उससे क्या संबंध है, निश्चित रूप से कथा व्यास जी के द्वारा सुनने का अवसर यहाँ के लोगों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि गोरक्षपीठाधीश्वर युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज एवं राष्ट्र संत महंत अवैधनाथ जी महाराज का पूरा जीवन देश और सनातन धर्म के स्थापना के लिए समर्पित रहा है। देश ही नहीं अपितु विश्व में जहां भी कोई भी घटना सनातन धर्म को प्रभावित करने वाली होती थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्वकर्मा जयंती पर भी लोगों को बधाई दिया तथा मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी देश का सम्मान विश्व स्तर पर बढ़ाया है, इसलिए वे वंदनीय हैं। हम ईश्वर से उनके स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। इस मौके पर दिगंबर अखाड़ा अयोध्या से पधारे महंत सुरेश दास जी महाराज ने कहा कि कथा सुनने से भगवान की पहचान होती है। जो कथा सुनता है वह भगवान को पहचान लेता है, क्योंकि वह भगवान के कृत्यों को कथा के माध्यम से सुनता है और अपने जीवन में उतारता है। अयोध्या से पधारे रामानुजाचार्य स्वामी राघवाचार्य जी महाराज ने कहा कि गोरक्षपीठ के आचार्यों ने सदा सनातन धर्म की रक्षा के लिए काम किया है। सनातन धर्म को समृद्ध करने, उसकी रक्षा करने में पूज्य दोनों महाराज जी का जीवन समर्पित रहा है। आज से प्रारंभ होने वाली कथा में भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के जीवन का तात्विक विवेचन जिनके द्वारा किया जा रहा है, वे वेद, वेदांत, न्याय, मीमांसा, दर्शन सहित सभी विषयों के ज्ञाता हैं। निश्चित रूप से कथा का लाभ हम सभी को प्राप्त होगा। स्वामी हरिनारायणाचार्य जी द्वारा कथा व्यास स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज की वीरदावली प्रस्तुत की गई। श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कथाव्यास स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज ने कहा कि आज हम सभी का सौभाग्य है कि हमें एक संस्कृत बोलने वाला मुख्यमंत्री मिला है। उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश है जिसमें सप्तपुरियों में चार पुरियां विद्यमान हैं। आज अयोध्या के घाटों में सरजू का सतत प्रवाह माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से ही संभव हुआ है। ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज व राष्ट्र संत महंत अवैध नाथ जी के सभी संकल्पों को पूरा करने का कार्य पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज कर रहे हैं। कथा व्यास ने आज की कथा में भगवान श्री कृष्ण का दूत बनकर हस्तिनापुर में जाना, विदुर के घर विदुरानी द्वारा केले के छिलके का खाना तथा हनुमान जी को श्री कृष्ण द्वारा रथ के ध्वज में स्थान देना, धुंधकारी एवं गोकर्ण के जन्म की कथा का तात्विक विवेचन करते हुए व्यक्ति के वर्तमान को उसके कर्मों का ही फल बताया तथा समकालीन विषयों को उससे जोड़ा। कथा के अंत में आरती में महंत प्रेमदास जी महाराज, महंत रविंद्र दास जी महाराज, संतोष दास सतुआ बाबा, महंत अवधेश दास जी, योगी कमलनाथ जी सहित यजमानगढ़ मौजूद रहे। हम सब के बीच अपने उपस्थिति से इस सदन के कार्यक्रम को गरिमा प्रदान करते हुए अयोध्या धाम से पधारे श्री दिगंबर अखाड़ा अयोध्या के परम आदरणीय, परम कृपालु और हम सब के लिए सहज सरल उपलब्ध महंत सुरेश दास जी महाराज हमारे बीच विराजमान हैं। ब्रह्मलीन युग पुरुष
श्री दिग्विजयनाथ जी के संघर्ष सभा में उपस्थित पूजनीय श्री महाराज जी, श्री व्यास जी महाराज, मंच पर सभी महापुरुष, सभी भाइयों, माताएं, श्री दिग्विजयनाथ जी की ये पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि महात्माओं की मनाई जाती है, इतिहास जो है वो जन्मदिन मनाते हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि महापुरुष का पूरा जन्म नहीं होता, वो ब्रह्मदिन हो जाते हैं और इतिहास का जो है वो जन्म होता है, इसलिए उनको मनाई जाती है। कथा सुनना क्यों जरूरी है? अगर हम कथा न सुने तो घाटा क्या है और कथा सुनने से लाभ क्या है? कथा इसलिए सुनी जाती है कि अगर हम कथा न सुने तो हम भगवान को नहीं पहचान सकते हैं, संत को पहचान नहीं सकते हैं। उदाहरण के लिए एक बार श्रेता जो माए शंभु गए मन सिपाही संग सती जगदंड भवानी पूजे ऋषि राम
के समारोह में विशेष रूप से उपस्थित हनुमान मंदिर के श्री महंत प्रेमदास जी महाराज, कालीबाड़ी के महंत जी, पूज्य संतजन, सभी भक्तगण, गोरखस्पीठ की इस परंपरा के अनुसार गोरखस्पीठ के आचार्य द्वय की स्मृति में आयोजित होने वाले साप्ताहिक आयोजन में यहाँ पर इस धार्मिक कथा में देश के सुप्रख्यात कथा व्यास आमंत्रित करके उनके स्त्री मुख से पावन कथा का श्रवण करने का आनंद गोरखपुर के श्रद्धालुओं को प्राप्त होता रहा है। आज हम सबका सौभाग्य है कि जगतगुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी वासुदेवाचार्य जी का सानिध्य आप सबको प्राप्त होता है। यद्यपि पूज्य स्वामी जी का सानिध्य प्रतिवर्ष इस अवसर पर होने वाले विभिन्न समसामयिक विषयों पर आयोजित गोष्ठियों में प्राप्त होता रहा है, लेकिन कथा व्यास के रूप में गोरखपीठ के इस मंच से गोरखपुर के श्रद्धालुजनों को उनके श्रीमुख से उनकी विलक्षण प्रतिभा, विद्वता और तर्क संबंध शास्त्र संबंध विवेचना को सुनने, जानने और समझने का अवसर पहली बार गोरखपुर के श्रद्धालुओं को प्राप्त होगा और वह भी केवल सामान्य कथा नहीं। यद्यपि कल हम लोग जिस विषय पर यहाँ चर्चा करेंगे उस विषय पर कल प्रातःकालीन सत्र में विस्तृत विवेचना भी होगी, लेकिन कथा जो भारत की परंपरा का एक भाग रहा है, हजारों वर्षों से अपने इतिहास को भारतीय मनीषा ने वेदों के माध्यम से, ब्राह्मण ग्रंथों के माध्यम से, रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों के माध्यम से, उपनिषद और पुराणों के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी उसका विस्तार किया। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के माध्यम से पूरे के पूरे इतिहास को समाहित करते हुए अगली पीढ़ी तक जन जन के लिए सुलभ कराने के लिए कथा व्यास ने इस पवित्र आयोजन के माध्यम से भारत की पूरी पीढ़ी को अपनी परंपरा के साथ जोड़ने का अद्भुत कार्य किया। दुनिया के अंदर अन्यत्र कहीं भी सब देखने को नहीं मिला, लेकिन कथा को हम लोग केवल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम ही न बने बल्कि उसके तात्विक विवेचन की उस निष्कर्ष तक भी पहुंच सके। इसे राम और श्री कृष्ण कायम कथाओं से क्या संबंध है, क्या समन्वय है और वर्तमान प्रपेक्ष में इन कथाओं की उपयोगिता के स्वरूप में हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन सब विषयों को लेकर के अगले एक सप्ताह तक गोरखपुर के सभी सुधीजनों को, श्रद्धालुजनों को, यजमानों को इस कथा को सुनने का अपना एक अद्भुत आनंद प्राप्त होगा। मैं इस अवसर पर गोरखपीठ की ओर से जगतगुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज का हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मुझे हार्दिक प्रसन्नता है कि गोरखपीठ के आमंत्रण पर प्रतिवर्ष पूज्य स्वामी जी का सानिध्य यहाँ प्राप्त होता रहा है और इस वर्ष इस पूरे आयोजन में
उनका सानिध्य यहाँ प्राप्त होगा। हम सब जानते हैं कि ब्रजपीठ के आचार्य थे जो पुरुष ब्रह्मलीन महंत विजयनाथ जी महाराज ने और मेरे पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत विजयनाथ जी महाराज ने अपना पूरा जीवन देश के लिए धर्म के लिए सनातन धर्म के लिए मानवीयों की पुनर्स्थापना के लिए समर्पित किया। उनका पूरा जीवन देश की कोई ऐसी घटना नहीं रही होगी जो सनातन हिंदू धर्म और देश को प्रभावित करती हो जिसमें ये दोनों महापुरुष अपने आप को रख किए हुए हो। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष रूप से इसकी भागीदारी सभी अभियानों के साथ रही है जो लोक कल्याण के लिए राष्ट्र के कल्याण के लिए देश के अंदर विगत 100 वर्षों के अंदर घटित हुई। गोरखपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में स्वास्थ्य और शिक्षा का कोई ऐसा महत्वपूर्ण केंद्र नहीं होगा जिनमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इन महापुरुषों की भागीदारी न रहे। धार्मिक जागरण का कार्यक्रम रहा हो या 5 सदी के लंबे इंतजार के बाद देश के सबसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर्तव्यों से उनके मार्गदर्शन में देश की जिसे एक बड़ी समस्या का समाधान हुआ है अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य का और प्रधानमंत्री जी के कर्तव्यों से इस कार्य का शुभारंभ भी हो चुका है। हम सब जानते हैं इस आंदोलन की शुरुआत स्वाभाविक रूप से उनकी आत्मा को भी अपार शांति की अनुभूति हो रही होगी और इस वर्ष विगत वर्ष यहाँ पर कथा का आयोजन हुआ था। उस समय कोरोना महामारी से पूरा समाज तप्त था, जूझ रहा था और देश के अंदर पहली कथा गोरखपीठ के मंच पर मुझे स्वामी राघवाचार्य जी महाराज के श्रीमुख से सुनने का अवसर आपको प्राप्त हुआ था। और आप सब जानते हैं कि जगतगुरु रामानुजाचार्य जगतगुरु राघवाचार्य जी के भी पूज्य गुरुदेव उनके श्रीमुख से इस बार कथा को सुनने का अवसर हम सबको प्राप्त होगा। मुझे विश्वास है मर्यादा संतों भगवान श्री राम लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण की इस पावन कथा और उनके तात्विक विवेचन से जुड़े हुए सभी इस बात को हम सब समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही सहज सरल पर संकल्प और साधस्त संबद्ध तरीके से मुझे स्वामी जी के श्रीमुख से इस कथा को सुनने का अवसर आप सबको प्राप्त होगा। मैं एक बार फिर से आयोजन समिति से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी और सदस्यों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मुझे स्वामी जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आप सभी श्रद्धालुओं के प्रति हृदय से शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ और भगवान गोरक्षनाथ जी से ही प्रार्थना करता हूँ कि वह आपके जीवन में इसी प्रकार से लोक मंगल की कामना के साथ आपको निरंतर एक नई दिशा को अग्रसर होने की प्रेरणा प्रदान करें। आज का दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्या विश्वकर्मा जयंती भी है और देश के सबसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का पावन जन्मदिन। देश को जो एक नई दिशा होने दी है प्रधानमंत्री के प्रधानमंत्री बनने के बाद वैश्विक स्तर पर भारत का सम्मान जिस रूप में रहा है वो अत्यंत अनुकरणीय है, अभिनंदनीय भी है और इसलिए हर भारतवासी को इस बात पर गौरव के अनुभव से होने चाहिए कि हमारा नेतृत्व देश के लिए और
भारत के एक नागरिक के हित के बारे में सोचता, हम सब इस अवसर पर प्रभुराम से ही प्रार्थना करें, उन्हें स्वस्थ और दीर्घ जीवन प्रदान करें, उनका नेतृत्व एक लंबे समय तक देश को प्राप्त होता रहे, इस विश्वास के साथ आप सबके हृदय की शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद, जय। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य महाराज श्री। मठ मंदिरों में बैठकर आध्यात्मिक और धार्मिक उन्नयन के साथ साथ भारतीय राजनीति को भी राष्ट्रवाद और राष्ट्र निर्माण का माध्यम बनाने वाले और उनके इस राष्ट्र के यज्ञ में आपके रथ के ऊपर आप जैसे राजनीति के अर्जुन के रथ के ऊपर दाक्षिण्य सौशील्य वात्सल्यादि गुणगण विभूषिता प्रतिवादिवारण प्रघटित प्रकाशोपिपाटन क्षमा परम वैदिक श्री संप्रदाय परकर्म श्री वैष्णवाचार विचार चारु चरिता वर्णाश्रम धर्म संवर्धन संरक्षण एक दीक्षा श्रीमद् जगद्गुरु कांजे प्रतिवादि भयंकराचार्य संलब्ध चक्र जामर काहल सज्जित सद्धर्म सिंहासनाधिष्ठिताः श्रीमद् जगद्गुरु भगवद अनंत बारीय श्रीमद् जगदाचार्य त्रिदंडी स्वामी बोले अयोध्या श्री कौशलेन्द्र राघवेन्द्र श्री रामचंद्र भगवान के श्री राधराशेश्वर श्री कृष्णचंद्र भगवान के श्री भाष्यकार भगवान के श्रीमज्जगद्गुरु स्वामी जी महाराज के श्रीमज्जगद्गुरु कांजी प्रतिवादि भयंकर स्वामी जी महाराज के श्रीमज्जगदाचार्य त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के पूज्यपाद श्रीमज्जगद्गुरु वेदांत मार्तंडेन्द्र स्वामी जी महाराज के अनंत श्री समलंगत अयोध्या श्री कौशले सदन पीठाधिपत श्रीमज्जगद्गुरु स्वामी जी महाराज के श्रीमद् गोरक्ष पीठाधीश्वर योगिराज स्वामी जी महाराज के अरिष्ट दुष्ट दलना पुरुष सिंहा परम योगिराज स्वामी जी महाराज के जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज विद्या भास्कर के कर कमलों में यह मंच ये सदन मैं समर्पित करता हूँ आगे की कथा के लिए। पूज्य Thank you.
माया काशी अवंत
लिखा पूरी द्वारावती ये सप्तमोक्ष प्रदात्री महापुरियों में चार महापुरियां जिस परम पावन प्रांत में आती है, परम पावन प्रांत के यशस्वी तेजस्वी योगी मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी और इस गोरक्षपीठ के यशस्वी पीठाधीश्वर, साथ में ही श्री रामचंद्र परमहंस जी कहा करते थे नीचे धरती ऊपर अंबर उसके बीच में खड़ा दिगंबर, उस दिगंबर अखाड़ा के पीठाधिपति श्री दिगंबर सुरेश दास जी, हमारे वरिष्ठ शिष्य जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी राघवाचार्य जी, उनके बगल में बैठे हुए पूज्य स्वामी जी महाराज, उनका नाम प्रेमदास जी महाराज। प्रेम जिस भक्ति के सामने दास बन जाता है, ऐसे प्रेमदास जी प्रेम लक्षणा भक्ति, हमारे शिष्य श्री महंत ओरिशाचार्य जी मातर जी बाई को बैठे संगीत में हमारा सहयोग करने वाले श्रीनिवास कोट के युवराज महंत स्वामी श्रीनिवासाचार्य जी और उनके दो संगीतज्ञ, उनके पीछे बैठे गढ़िया राधाकृष्ण मंदिर के महंत जोड़ होते हैं स्वामी नारायणाचार्य जी, उनके दाहिनी तरफ बैठे अपने ही आश्रम तदंगदेव सेवाश्रम शिविर जहाँ लगा था हरिद्वार में सोना नंबर ठोकर में, जहाँ पर राघवाचार्य जी को जगत गुरु रामानुजाचार्य का पदक प्रदान किया था इस रामानुदास ने, उस पीठ के पीठाधिपति श्री अनंत श्री घोष रामानुजाचार्य विश्व विक्रम जी एवं उनके ही दाहिनी तरफ बैठे नवीन अवस्था में किशोर स्वामी आदि के शिवाचार्य जी जो मोहनलाल रामपुर के महंत, वो देंगे सहायता करेंगे, बौद्धिक सहायता करेंगे, कैसे कैसे कार्य किया जाए, कैसे आगे कार्य बढ़े, अयोध्या के सर्वोत्तम विकास के लिए। अवैधनाथ जी उस आंदोलन में घी का काम करते हुए आगे बढ़ते हुए संकल्प के साथ कि श्री राम मंदिर बनेगा, अपनी जीवन लीला को पूर्ण किया था राम मंदिर का आंदोलन चलाते चलाते, और सच पूछो तो तीसरी बार में सिद्धि मिल जाती है उन्हीं की तीसरी पीढ़ी में महंत आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में राम मंदिर का निर्माण। सबसे महत्वपूर्ण विषय तीसरी पीढ़ी का कितना महत्व होता है। तीसरी पीढ़ी में ही तो भागीरथी आई थी, गुप्ता घाट से लेकर राज घाट सरयू का प्रवाह जब आया, कौशल्या घाट के घाट चतुर्थ प्रहलाद घाट से लेकर के जब तक सरयू का प्रवाह होगा तो हम देखेंगे कि जो सरयू जी बहुत दूर जा चुकी थी और आदमी नकुल भाग में वो सब भूमि जहाँ लोग इधर उधर प्लाट बना करके और कवाई करने के चक्कर में लगे हैं, वो साधु है कोई उस काम को कर सकता है, ऐसे साधु हमारे योगी आदित्यनाथ जी है, इन्हीं के द्वारा उठा आएगी तीसरी पीढ़ी में भागीरथ की गंगा जी को जाने के लिए और तीसरी पीढ़ी में आप उस धारा को समाज से लाएंगे। क्राउड कंट्रोल करना ही सबसे बड़ा शासन का सर्वतोमुखी गुण है, झूला में भीड़ तरफ की भीड़ सारी भीड़ जब नए घाट में ही टूट जाएगी तो कैजुअल्टी होगी, दुर्घटना घटेगी, सारी भीड़ टूट जाएगी, और जब यह ऐतिहासिक घाटों के सर्प का प्रभाव और आपकी योजना को अगल बगल सुंदर पार्क हरियाली के साथ जैसा वाल्मीकि रामायण में भरत जी ने कहा है, आज स्वर्ण से विभूषित सुंदरियां और स्वर्ण से विभूषित हार पहने हुए पुरुष अयोध्या किनारे क्यों नहीं लाई पर पहले ही राजा दशरथ जी की मृत्यु हो जाने के बाद उनको बुलाया गया तो आए अयोध्या को वाल्मीकि रामायण में, उन्होंने कहा था इस बात को वाल्मीकि रामायण
उसने कहा ये बात तुम सुनेंगे तो सुनेंगे, फिर तात्विक विवेचन हम आपको बता रहे हैं। और सबसे बड़ा तात्विक विवेचन तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ी बात अभी भी मेरे दिमाग में आई कि जब 50वीं पुण्यतिथि नहीं होगी महंत अवैद्यनाथ जी की, तो 50 में अंत ज्योतिष के अनुसार 5 ही आएगा, उस समय 5वीं पुण्यतिथि महंत अवैद्यनाथ जी की थी। ये गुरु के साथ कैसी एकात्मता है, कैसी एकवाक्यता। जब 91वीं पुण्यतिथि महंत अवैद्यनाथ जी की हुई, उस समय महंत अवैद्यनाथ जी की 5 और 6 मतलब 6ठी पुण्यतिथि महंत अवैद्यनाथ जी की थी। और आज जब 52वीं पुण्यतिथि महंत विपिनेनाथ जी की है, तो 5 और 2 7 और अवैद्यनाथ जी की कौन सी पुण्यतिथि है महंत जी की, 7वीं। मतलब ये तीसरी पीढ़ी की बात मैं बता रहा हूँ, इन्हीं तीनों में एक वाक्यता होगी, इसके पहले नहीं हो पाएगी, इसीलिए तीसरी पीढ़ी की बात मैं सोच करके बैठा हूँ। और आपके द्वारा तीसरी पीढ़ी के द्वारा होंगे और ये सारे साधुओं के सपने, और जो बूढ़े बूढ़े महात्मा उसके किनारे रहते हैं, जो नया घाट नहीं जा पाएंगे, वो सब बुढ़ापे के आशीर्वाद देंगे आपको कि धन्य है योगी जी जो गुप्ता घाट से घाट घाट तक संजीवनी को जोड़ दिए, हम लोग यही स्नान कर रहे हैं। इससे बढ़कर के क्या हो सकता है। और 49वीं पुण्यतिथि जब रही तब वो नहीं जो पा रहा, कैसे मिलेगा 49वीं, 4, 9, 9, 13 हो गई। इसलिए तीसरी तीन 50वीं 91वीं और 52वीं और हम सब लोग आपके साथ, और दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में आपको देखना चाहते हैं, और दोबारा आपके साथ करता हूँ कि पुनः मुख्यमंत्री के रूप में हम सब समाज के साथ। केवल इतना ही मैं आपको बताऊंगा बंधुओं कि वो विराट रूप दूसरा हो, मैं केवल इतना बता रहा था कि भगवान ने सोचा कि अगर हनुमान जी को विभीषण जी जैसा भक्त मिला, दूत बनकर के गए, तो हमको भी किसी भक्त से मिल करके ही वहां जाना चाहिए। और इसीलिए एक ही राशि के भक्त थे दोनों, उनका भी नाम वी से शुरू होता था, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सर्वज्ञानी विभीषण जी, इनका भी नाम वी से शुरू होता था, कौन विदुर जी, विदुरान भुजे चीन गुणवंती जन, विदुर जी के पवित्र अन्नों का सेवन किया महाभारत में देखते हैं। तो विदुर जी, विदुर जी, विदुर जी तो उस समय थे भी नहीं जब भगवान पहुंचे, तो विदुरानी थे, विदुर नहीं धरती विदुरानी, विदुर नहीं धरती देखी और भगवान को कहाँ बैठा था, सीधा लेकर के कभी उस कोने में ले जाए, कभी उस कोने में ले जाए, कभी उस कोने में ले जाए। सोच रही थी मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। एक बैग हमारी योगी जी अगर आपके घर में पहुंच जाए तो आप सब पकाएंगे, मैं कहाँ बैठाऊँ, क्या खिलाऊँ, क्या करूँ। कोई चक्कर हो गया था कुछ लगता है हमको, वहाँ योगेश्वर पहुंचे थे, योगेश्वर पवित्र पार्व सोचती मैं कहाँ बैठाऊँ क्या करूँ। और वो कभी इधर करे बोले बैठा तो दो हमको, चाहे कहीं भी बैठा दो, किसी भी जगह पर बैठा दो भाई, कैसे भी बैठा दो, बुआ जी आके वो ही सही हो गई है, पानी को भद्रत सब भाइयों को तो पुस्ती बुआ जी उस संबंध से गुजरानी भी बुआ ही में लगेगी। तो बोले अरे बुआ जी जहाँ कहा वहाँ बैठा दो, बैठो खिलाओ। अब कुछ नहीं, केला रखा हुआ था और केले का छिलका भगवान को दे रही है, और गिरी गिरी सब देख गिराई, गिरी गिरी सब देख गिरा, छिलका भूत श्याम मुख माही, छिलका भूत श्याम मुख माही। अच्छा कृष्ण, अब वो स्वाद क्या है, उसमें मिठास क्या है। और तब तक बाहर से भी गुरु जी आओ, बाहर से खारे खोते कथन सुनाए, खारे खोते कथन सुनाए, कहाँ तुम्हारी भाव
मतलब विदुर जी के घर में हरि आए, भगवान कृष्ण आए, विदुर जी के घर में पहुंचे और विदुर जी आए बाहर से, और भगवान क्या कर रहे थे, सोचे कि छिलका छिलका दे रही है तो मैं क्या करूं, और छिलका में भी कुछ लगा रह जाता है ना तेरे वाला हिस्सा, तो भगवान उसको चाट चाट करके सोचते थे दे रहे थे। विदुर जी आए अब छिलका इधर उधर, भगवान ने कहा मतलब छिलका ही इसमें स्वाद नहीं आ रहा है, विदुर जी ने जो बंदर का पांव देना शुरू किया खेला था तो बोले मैं इसमें मजा नहीं आ रहा है, तो बोले क्यों ऐसा है। विदुर जी ने सोचा कि क्या बात है, छिलका, विदुर जी ने सोचा कि क्या बात है, कितना क्या बात है विलक्षणता का। तो पुराणानुकर में तो यहां तक लिखा है कि श्री भगवान कृष्णचंद्र जी के द्वारा जो छिलका जो है चाट चाट करके गिराया नहीं ना, भगवान दूसरे हाथ पकड़े हुए वो छिलका, दूसरे हाथ में लिए हुए चाट करके गिराया, विदुर जी ने वो छिलका गिराया नहीं, सोचा कि मैं क्या हाथ में ले लूं, सोचे लाओ देखें स्वाद। जब विदुर जी ने उसको स्वाद लेना चाहा तो ब्रह्म साक्षात्कार की जैसे समाधि, इतनी मधुरता इतनी मिठास उसमें अनुभव हुई जो आज तक किसी केले में उन्होंने नहीं देखी। जब अधरम मधुरम बदनम मधुरम, जिनका मधुराज पते रघुरम मधुरम, जिनका सब कुछ मधुर है, उनके हाथ में जब पहुंच जाए तो फिर क्या पूछना है। ये विदुर जैसे भक्त से मिलकर के भगवान गए, विदुर जैसे भक्त से मिलकर के भगवान गए, जैसे विभीषण जैसे भक्त से मिलकर के श्री हनुमान जी गए थे, बोले उसका हिसाब किताब बराबर करना चाहिए थे। इसीलिए भगवान ने ये भी कर्मों का एग्रीमेंट भगवान ने फॉलो किया। और तो और बात जाने दीजिए, मैं कहां तक बताऊं, भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि रामावतार में तो मेरी एक ही पत्नी थी, मेरे विरोधी रावण की 1000 पत्नियां थी, कितनी पत्नियां थी, अंगनाम सहस्रम ब्राह्मण प्रमदाव, उपभोक्तावादी प्रवृत्ति का नाम ही हिरण्याक्ष है। भगवान ने हमें बताया कि तुम यदि संपत्ति का उपभोग करोगे तो संपत्ति नष्ट हो जाएगी, यदि उपयोग करोगे तो संपत्ति सुस्थिर बनी रहेगी, और अगर भरत जी की तरह संपत्ति की उपासना करोगे तो संपत्ति न्यासभूत मिदम राज्यम प्रतम 10 गुणमया, वो 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए उसके उपभोग होने की चिंता मत करो, उपभोग करने की बात भी मत सोचो। यही हिरण्याक्ष पद का तात्पर्य है कि आप उपभोक्तावादी प्रवृत्ति से हट करके उपयोक्तावादी प्रवृत्ति में और उपयोगकर्ता के रूप में और उससे भी 1 कोटि आगे उपासना की पद्धति में आवे। आपका सर्वथा सर्वदा सर्वत्र सर्वतोमुखी विकास होगा। ओम शांति शांति शांति। दो वैदिक मंत्रों से आरती होगी और उसके बाद श्री भागवत भगवान की है। Thank you.